ഒഡീഷ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്രെയിൻ അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അപകടം ഞെട്ടിക്കുന്നതും വേദനാജനകവുമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള വേദനയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും മരണമടഞ്ഞവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ സഹായവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में, आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दें कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम വൈകുന്നേരത്തോടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ബാലസോറിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. റെയിൽവേയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപകടം സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വിശദീകരിച്ചു. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों, आपदा राहत बलों के कर्मियों और रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने उनसे घायलों और उनके परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि शोक संतप्त परिवारों को असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रभावितों को आवश्यक सहायता मिलती रहे।
बालसोर जिला आशुपत्रि चिकित्सा कहियवे सदर्शिच प्रधानमंत्री आश्वसीपी नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो यहां पर व्यक्त करते हुए वो नजर आए। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से उत्तम स्वास्थ्य में कोई कोर कसर ना रहे, जो यहां पर घायल मौजूद हैं इस अस्पताल में और दूसरे अस्पतालों में, उनका ठीक तरह से इलाज चले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। और साथ ही साथ हर प्रकार की जाँच, जो इस पूरे हादसे को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें हर प्रकार की जांच हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त रवैया उन्होंने अपनाते हुए ये बात रखी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सख्त से सख्त बात कर रहे थे कि यहाँ पर कई सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो लोग मौजूद है, उन्होंने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी थी कि ब्लड की जो समस्या होती, खून की समस्या होती, खून चढ़ाया जाना था घायलों को, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोकल थे वो ब्लड देने के लिए आ रहे हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। तो एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात होती है। കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അശ്വിനി വൈഷ്ണവും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു।